सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें जय श्री राधे मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों का 10 सितंबर 2020 का दिन कैसा रहेगा आज के दैनिक राशि फल के बारे में चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से अपने आप पर हमेशा भरोसा रखो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारे संकल्प से बड़ा हो आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में दिनांक रहेगा 10 सितंबर 2020, तिथि अष्टमी है जो अगले दिन के भोर के तीन बज के मिनट तक चलेगी नक्षत्र रोहिणी है जो दोपहर के एक बज के मिनट तक है पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है दिन गुरुवार रहेगा सूर्योदय छः बज के तीन मिनट पर होगा वही सूर्यास्त छः बज के इकतीस मिनट पर चंद्र राशि वृषभ है जो अगले दिन के भोर के दो बज के सैंतीस मिनट तक रहेगी आज का जो चंद्रोदय है रात्रि के ग्यारह बज के तैंतीस मिनट पर होगा चंद्रास्त अगले दिन के दोपहर के बारह बज के छप्पन मिनट पर ऋतु शरद ऋतु चल रही है शख उन्नीस सौ बयालीस सारवरी है कलिशमत इक्यावन सौ बाईस है विक्रम संवत बीस सौ सतहत्तर है 12 बारह घंटे सत्ताईस मिनट बावन सेकंड का होगा मास अमांत भाद्रपद है मास पूर्णिमांत अश्विन है बात करते हैं आज के शुभ समय और अशुभ समय की तो दोस्तों आज का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त सुबह के ग्यारह बज के बावन मिनट से शुरू होगा और दोपहर के बारह बज के बयालीस मिनट पर समाप्त हो जाएगा वही अशुभ समय यानी कि दुष्ट मुहूर्त सुबह के दस बज के तेरह मिनट से शुरू होगा सुबह के ग्यारह बज के दो मिनट तक चलेगा वही दूसरा दोपहर के तीन बज के बारह मिनट से शुरू होकर संध्या के चार बज के दो मिनट तक चलने वाला है आज का जो कंटक है दोपहर के तीन बज के बारह मिनट से संध्या के चार बज के दो मिनट तक रहेगा यम घंट सुबह के छः बज के तिरपन मिनट से सुबह के सात बज के तैंतालीस मिनट तक रहेगा आज का जो काल है दोपहर के एक बज के इक्यावन मिनट से संध्या के तीन बज के चौबीस मिनट तक रहेगा आज का जो कुलिक है सुबह के दस बज के तेरह मिनट से सुबह के ग्यारह बज के दो मिनट तक रहने वाला है यमगंड सुबह के छः बज के तीन मिनट से सुबह के सात बज के सैंतीस मिनट तक रहेगा दिशाशुल दक्षिण रहेगा तो मित्रों ये रहा आज का पंचांग वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो के अंत में आपका शुभ अंक शुभ रंग और दिशा बताई गई है जानते हैं आपके दिन के बारे में संक्षिप्त में फिर जानेंगे पूरी विस्तार से स्वास्थ्य की बात करें उस लिहाज से जो दिन है आपका अच्छा रहेगा सामान्य रहने वाला है धन संपत्ति बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा उस लिहाज से दिन आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा प्रेम संबंध की बात करें तो दिन सामान्य से अच्छा रहने वाला है व्यवसाय में आज आपको लाभ देखने को मिल सकता है वैवाहिक जीवन मित्रों आपका सामान्य से अच्छा रहेगा चलिए जान लेते हैं आपके दिन के बारे में पूरे विस्तार से दोस्तों मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस कर सकते हैं थोड़े शिथिल महसूस कर सकते हैं इसलिए आप अपना ख्याल रखिए दूसरों के सामने आप कैसा बर्ताव करते हैं कैसा बोलते हैं क्या बोलना है सोच समझ के दिमाग से काम लीजिए भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से अगर मजबूत बनना है तो आज से ही आपको धन बचाना सीखना चाहिए धन की बचत करनी चाहिए बच्चे को अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी जाती है आपको आज हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें आपका प्रोत्साहन निश्चित तौर पर बच्चे का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएगा अपने प्रिय का अस्थिर बर्ताव आज रोमांस को बिगाड़ सकता है काम के लिए समर्पित पेवर लोगों को रुपए पैसे और करियर के मोर्चे पर आज फायदा देखने को मिल सकता है यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए आज जो मौका आए आपके पास यात्रा के उसे झट से दबोच लीजिए किसी पड़ोसी या दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा अनबन का सामना करना पड़ सकता है शुभ अंक आपका एक रहेगा शुभ रंग हरा और फिरोजी है बुरी दिशा उत्तर है उत्तर दिशा में ना जाएं जाते हैं तो सावधानी के साथ जाएं तो दोस्तों ये रहा आज का आपका राशिफल उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में नोटिफिकेशन बेल बटन दबाइए ताकि आने वाले अगले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जय शनि देव जरूर लिखिएगा शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे यही कामना करते हैं मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय श्री राधे आपका दिन आज का मंगलमय बीते शुभ बीते अच्छा बीते यही कामना करते हैं जय श्री राधे